नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं यूपी की पावन भूमि बुलंदशहर के ऊपर और तथागत का यहाँ पे प्रथम बुद्ध महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तथागत की बात हो और विनयशील जी वहाँ पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली से चलकर बुलंदशहर पे और जिन्होंने धर्म प्रचार को ही अपना जीवन बना दिया है, जगह जगह धर्म की बात करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। विनय जी, आप कैसे मिलते, स्वागत है। साधु साधु, मैं भी ऐसे में ऐसे मीडिया के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। जैसा कि आज ये प्रथम बौद्ध महासम्मेलन हुआ है, आज इसकी आवश्यकता है, हमें बहुत आवश्यकता है कि हमारी ये आवाज़ जन जन तक जानी चाहिए। जो हमारा समाज है शिकंजे में फंसा हुआ है, वो धम्म को नहीं जानता, बुद्ध को नहीं जानता। हम भी बहुत बहुत जगह जाते हैं, बहुत बहुत दूर जाते हैं और वहाँ हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं जी, लेकिन वहाँ बुद्ध की बात नहीं है। इसलिए कोई ना कोई माध्यम तो बनाया ही जाता है कि समाज को समझाने के लिए, समाज को बताने के लिए। तो आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें ये सभी लोग धम्म दीक्षा भी लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सिस्टम, वो बिना सोचे समझे, मतलब जो ना उसको धागा काट रहे थे, लाल धागा कलाबा का जी, इन लोगों को किसी को भी ये पता नहीं है कि ये कलाबा क्या बवाल है जी। मैंने वहाँ पर खड़े होकर बताया, एन वधो वली राजा दान विंद्रंग महाबली तैन त्वंग अहम बंदामी, माचल माचल माचल। यानी यहाँ इस देश का जो सम्राट राजा था, जो बोधिष्ठ राजा था, जो पहला प्रथम राजा था, जिसको हम बली राजा बली के नाम से जानते हैं, राजा बली के नाम से जानते हैं, उस बली को इसी धागे के द्वारा चला गया। और ये लोग उस धागे को बड़े शौक से बांधते हैं। दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो या घर में कोई शादी हो या कुछ भी हो या मृत्यु भी हो, उसमें भी मतलब उसी धागे को बांधते हैं। दूसरा, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कि इस धागे को तो बांध रहे हो, तोड़ रहे हो, लेकिन इसकी अर्थी निकालना यहाँ से। जिस तरीके से जहाँ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, 10 लाख हों या 5 लाख हों, जितने अनुयायु के साथ में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, आज के दिन आज वही कार्यक्रम इनके सामने हो रहा है। बाबा साहब तो अकेले थे, लेकिन उन्होंने लाखों अनुयायियों को जोड़कर और आज के ही दिन धम्म दीक्षा ली। क्यों ली? कि आज के दिन ये रावण को फूंकते हैं ना, हैं? रावण को फूंकते हैं, तो रावण कौन था, रावण कौन था और राम कौन था, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। रावण वो था जो यहाँ का लास्ट का राजा जो तुम्हारा हुआ है, बृहदत्त मौर्य, जो सम्राट अशोक का पोता होता है, नाती होता है, उसका सेनापति पुष्पमित्र शुंग होता है। और पुष्पमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य का कत्ल करके और भारत से इस धम्म को हमेशा हमेशा के लिए लोप किया, ऐसा किया। दूसरा उन्होंने किया कि हमारे एक एक बौद्ध भिक्षुओं का सर लाने पर 100 मोहरा सर्पी दी जाएंगी। बुद्ध का धम्म खत्म किया, भिक्षुओं की जानें ली गईं। आज हमें अपने धर्म को समझना है, अपने मार्ग को समझना है, अपने महापुरुषों को समझना है, जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के हित में, हमारे लोगों के हित में कार्य किया है। वो लोग हम नहीं जानते, हम किसके चक्कर में पछड़े में पड़े हैं कि कोई देवी को पूज रहा है, कोई देवा को पूज रहा है। हम अपने महापुरुषों को, जिसने हमारे कल्याण की बात करी है, जिसने हमें मार्ग दिया है, जिसने हमें कलम दी है, जिसने हमें शिक्षा दी है, जिसने हमें IAS बनाया है, जिसने हमें PS बनाया है, जिसने हमें गाड़ियाँ दी हैं, जिसने हमें बंगला दिया है, उस महापुरुष को कोई नहीं पूछता है, उस महापुरुष को कोई नहीं पूछता है। उनको पूछते हैं जिनसे हमारा कभी न भला हुआ और ना ही कभी भला होगा।